जय भवानी अंसुर टीम, जय भवानी अंसुर टीम। पहले टॉस जीतकर जय भवानी अंसुर टीम ने फैसला किया गेंदबाजी करने का, और बल्लेबाजी करने के लिए वेता टूरिस्ट टीम को आमंत्रित किया। सुजीत चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, दो गेंदों का कुल मिलाकर खेल हुआ समाप्त। दो गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर दो रन बने। स्ट्राइक के ऊपर दीनानाथ और नॉन स्ट्राइक के ऊपर श्याम तुरस्कर, ये दोनों बल्लेबाज नजर आते हुए। अगर बात करें सुजीत सावर की, ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज है, गेंदबाजी भी बेहतरीन करते, कैच का मौका, दाजी नहीं गाएगी गेंद के नीचे, विकेट नंबर वन, बैक टू द पवेलियन डीजे।
के ऊपर फिर एक बार चले, ब्लॉक कॉल में डालू गेंद, खोज के निकाला बिल्कुल सिंगल रन मुकम्मल, दाजी आएंगे स्क्रीन के ऊपर, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और दो रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। दो रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर दूसरे ओवर का 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 14 के ऊपर स्कोर कार्ड नजर आता हुआ और फिर एक बार चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर विशाल। कदमों का इस्तेमाल आगे आकर खेलने का बड़ा गैप सिलेक्शन बहुत ही बढ़िया, कार्पेट की सारी गेंद निकल गई सी मारे का पार 4 रनों के लिए। दोपहर के टॉप स्कोरर टीमें इस मैदान के बीच में, 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त दूसरे ओवर का और स्कोर कार्ड के ऊपर मात्र 18 रन बन चुके। ब्लॉक कॉल में डाउन गेंद, खोज के निकलने का प्रयास, फिर एक बार दाजी आएंगे स्क्रीन के ऊपर, सिंगल रन मुकम्मल, सिंगल के ऊपर निर्भर दोनों बल्लेबाज। जो बल्लेबाज जब पिछले मुकाबले में चौवे छक्के दाग रहे थे वो बल्लेबाज सिंगल डबल के ऊपर निर्भर, यही दोस्तों टेनिस क्रिकेट, और इसको क्रिकेट कहा जाता है। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट, अनिश्चित अंश से भरा क्रिकेट इसे कहा जाता है। फिर एक बार चले हल्की सी टर्न लेती हुई गेंद, थर्ड मैन क्रिकेट में ट्रेवल हो रही है, सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे का प्रयास था, विकेट के बीच में बहुत ही बढ़िया दौड़ लगा रहे और 2 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 21 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। हेलो, चलेंगे मैदान में, बिल्कुल 12 गेंदों का खेल हुआ समाप्त, 12 गेंदों का खेल बाकी और चले मैदान के बीच में नए गेंदबाज राजेश। लॉन्ग टॉप के रिटर्न में गेंद ट्रैवल हो रही है, बिल्कुल 4 रनों के लिए गेंद निकल जाएगी और 4 रनों के तहत काफी देर बाद पारी का स्कोर आगे बढ़ा 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सीमित 4 ओवर का यह मुकाबला है, बड़े शॉट के लिए जाना होगा, एक बड़ा स्कोर लगाना होगा स्कोर कार्ड के ऊपर, क्योंकि सामने दाजी नाइक है, सामने सुजीत सावर है, सामने बबल नाइक है, सामने विशाल है, तो बिल्कुल एक बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करनी होगी। ये गेंद बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, बगैर कोई रन से, बगैर कोई नुकसान से, बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। पिछले गेंद के ऊपर किरण जो चौवा लगा था उसका पूरे पूरे भरपाई करते हुए गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तान में। फिर एक बार तीसरी गेंद लेकर कैच का मौका, यहां पर गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ कैच को मुकम्मल किया और चलता किया एक विस्फोट वाला बल्लेबाज श्याम तुरस्कर बैक टू द पवेलियन। नया बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में, पिछले मुकाबले में जिन्होंने 53 रनों की नाबाद पारी खेली थी वो बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के बीच में राजू आरोस्कर नजर आते हुए। पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच राजू आरोस्कर धीरे धीरे मैदान के बीच में, क्या ताबड़तोड़ वाली बल्लेबाजी अब नजर आएगी इस मुकाबले में, क्योंकि सामने से कातिलाना गेंदबाजी हो रही है, बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर डाल रहते हुए बिल्कुल बेहतरीन फील्डिंग और उतनी बेहतरीन गेंदबाजी, बल्लेबाजों को बिल्कुल जकड़ के रखा हुआ है, सोचने के ऊपर मजबूर करते हुए यहां पर गेंदबाजी। कुल मिलाकर 3 गेंदों का खेल हुआ समाप्त,
नमस्कार। धन्यवाद। सन्मान्य तुळस गावचे सुपुत्र सन्मान्य अजय नाईक सर यांचं आगमन होतंय मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत। आणि साहेब तुम्हाला विनंती राहील कृपया कॉम्बॉक्स मध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे। अजय नाईक सर तुळस गावचे सुपुत्र। चार गेंदों का खेल हुआ समाप्त। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर एक हाई वोल्टेज मुकाबला। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल पॉइंट के रीजन में टैप किया गेंद को। सिंगल मुकम्मल, दूसरे का प्रयास रहेगा और दूसरा रन यहां पर मुकम्मल करते हैं। तीसरे का प्रयास हारा की स्थिति मैदान के ऊपर खराब यहां पर थ्रो और तीसरा रन यहां पर मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। तीन रनों का दैट पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पांच गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। पांच गेंदों के समाप्ति के बाद 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी तीसरे ओवर का। मैं कहूंगा बड़े शॉट नहीं लगे लेकिन रनिंग बिटवीन विकेट बहुत ही बढ़िया। सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रहते हुए दोनों बल्लेबाज लेकिन स्कोर कार्ड को हिलता के इस बीच बड़ा स्ट्रोक काफी देर तक गेंदों में गेंद जाएगी बिल्कुल सीमा रेखा पार। 6 रनों के लिए डीजे। चौतीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहले दो मुकाबले हमने देखे हाई स्कोर मुकाबले देखे, उसके बाद तीसरा मुकाबला लो स्कोर मुकाबला और अब ये चौथा मुकाबला किस प्रकार से करवट लेगा मैदान में। बिदुल आए नए गेंदबाज स्लॉग ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। सीमित चार ओवर का मुकाबला दोस्तों फिर एक बार याद दिला दो आपको, सीमित चार ओवर का मुकाबला, एक और पावर प्ले का और उसके बाद फील्ड तितराई जाएगी। चार गेंदबाज अनिवार्य इस मुकाबले के लिए। विदुलाए गेंदबाजी मार के ऊपर स्कोर कार्ड 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। धीरा नजर बिल्कुल श्याम वापस दगौड़ में लौटे और श्याम और साहिल और राजू ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक के ऊपर राजू और इसी बीच विदुल चला पहले गेंद लेकर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद उड़ाया गेंद को काफी देर तक हवा में, खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे लेकिन थोड़ी सी दूर गेंद गिरती हुई। बैकअप मिलता हुआ दादी नाइक के, तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और दो रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा। कुल मिलाकर स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। और फिर एक बार विदुल चले गेंदबाजी मार के ऊपर। यह गेंद टिप्पा करने के बाद लेग स्टिक की हल्की सी बाहर निकलती हुई, अंपायर ने दंडित कर दे, अतिरिक्त रन खाते में जुड़ जाएगा। एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा। अजय नाईक सर तुमसे खूब खूब स्वागत दिया झंडू बचा चक दरमियान आणि तुमच्या गावची टीम मैदानात खेळते। इस बीच आड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, बल्ले का टॉप पिच लिया लेकिन काउ कॉर्नर के रीजन में गेंद ट्रेवल हो रही है। तब तक दूसरा रन मुकम्मल, सिंगल डबल के ऊपर निर्भर और बिल्कुल अंपायर की उंगली आसमान में, यानी कि विकेट नंबर तीसरा वापस दगौड़ में लौटा गया। अजय नाईक सर पहले तो मुकाबले हमने देखे बिल्कुल लो स्कोर टॉप स्कोर मुकाबले, यानी कि 120 पहले मुकाबले का टारगेट रहा, दूसरे मुकाबले का 127 और ये चौथा मुकाबला है हम देख रहे हैं बिल्कुल एक लो स्कोरिंग की तरफ ढल रहा है मुकाबला। पिछला मुकाबला 6 ओवर में बिल्कुल 49 रन की जरूरत थी, अब 4 ओवर का मुकाबला है लेकिन मैं कहूंगा कहीं ना कहीं फाइट देने की कोशिश की है बिल्कुल वेता दोस्त टीम ने, क्योंकि जिस हिसाब से सामने से गेंदबाजी हो रही है, जिस हिसाब से फील्डिंग हो रही है उसके ऊपर अगर देखा जाए तो बेहतरीन बल्लेबाजी, सिंगल डबल के ऊपर कन्वर्ट करते रहे और स्कोर कार्ड को यहाँ पर ठीक ठाक करने में की कोशिश करते हुए। एक आध खराब गेंद के ऊपर बड़े शॉट की तलाश भी हुई लेकिन कहीं ना कहीं एक दो बड़े शॉट के लिए जाना चाहिए था। दो तीन बड़े शॉट लग जाते इस मुकाबले में तो बिल्कुल मजा आता इस मुकाबले को देखने के लिए। 38 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, नए बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए संतोष।
भी दिल की गेंद पटकी हुई गेंद बल्ले का चुम्मा लेकर शायद वन बाउंस विकेट कीपर के दस्तानों में। बिंदी गेंद की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। कुल मिलाकर चार गेंदों का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। आखिरी दो गेंदों का खेल बाकी। शॉर्ट पिच गेंद आड़े बल्ले के साथ घुमाया गेंद को, यह शायद बड़ा शॉट बन सकता है। वन बाउंस शायद दूसरा बाउंस लेकर सी मारे का पार पहुंचते हुए बिल्कुल चार रनों के लिए। क्या आखिरी गेंद में फिर एक बार बेहतरीन गेंदबाजी नजर आएगी। चार गेंदों का खेल हुआ समाप्त, दो गेंदों का खेल बाकी। इस बीच बड़े बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, थोड़ी सी फंबलिंग यहां पर और गेंद बिल्कुल बैकअप बहुत ही बढ़िया। इस बैकअप की तारीफ मैं कर रहा था, बेहतरीन बैकअप। पांच गेंदों का खेल हुआ समाप्त, पांच गेंदों का खेल हुआ समाप्त स्कोर कार्ड के ऊपर। 43 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी। इस बीच कैच का मौका,
44 रनों की जरूरत जय भवानी अंशुर टीम को। पहली गेंद आड़े बल्ले के साथ घुमाया स्क्वायर लेकर इधर में बबल के बल्ले से निकलते हुए ये बबली शॉट 4 रनों के लिए। डीजे स्वागत किया है। 44 रनों का पीछा करना है तो बिल्कुल सीमित 4 ओवर का मुकाबला और 4 रन के साथ शुरुआत, ये बिल्कुल एक समीकरण में जुलता हुआ। फिर एक बार स्विच इट करने का प्रयास, गेंद जाएगी वन बाउंस सीमा के पार 4 रनों के लिए। डीजे तो बिल्कुल 4 रनों के तहत पारी का स्कोर 8 रनों के ऊपर। बबल के बल्ले से तीसरा शायद ये गेंद बिल्कुल फिर एक बार सी मारे के पार पहुंच जाएगी 4 रनों के लिए। 3 गेंद के ऊपर 3 बैक टू बैक चौवे, बेहतरीन बल्लेबाजी। पावर प्ले में किस प्रकार की बल्लेबाजी, जो इस प्रकार की बल्लेबाजी होनी चाहिए। मैदान के तीनों और 3 चौवे, एक स्क्वायर लेग के रीजन में, एक पॉइंट के रीजन में, एक्स्ट्रा पॉइंट के रीजन में और एक लॉन्ग ऑफ के रीजन में, बेहतरीन बल्लेबाजी। फिर एक बार डाउन द ग्राउंड खेलने का प्रयास, वन बाउंस सी मारे का पार 4 रनों के लिए। 4 गेंद के ऊपर 4 चौवे इस बल्ले के बल्लेबाज के बल्ले से निकलते हुए। तो बिल्कुल बबल है यहाँ पर आग उगते हुए मैदान के भीतर। फिर एक बार शफल होकर घूम कर खेलने का प्रयास, वन बाउंस सीमा का पार 4 रनों के लिए, ये रिकॉर्ड बन सकता है मैदान में। बिल्कुल 5 गेंद के ऊपर 5 चौवे लगाए। सामने अगर गेंदबाज की बात की जाए तो संतोष, पावर प्ले में इस प्रकार की बल्लेबाजी होनी चाहिए भाई, मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी। कुल मिलाकर 20 रन बने 5 गेंद के ऊपर। आखिरी गेंद के ऊपर फिर एक बार बड़ा शॉट के लिए जाएंगे 44 छक्के के लिए, कि फिर एक बार गेंदबाज आखिरी गेंद के ऊपर अपने जादुई करिश्मे दिखाएगा। सफल होकर खेलने का प्रयास, फिर एक बार गेंद वन बाउंस सीमा रेखा करीब और सीमा रेखा पार पहुंचते हुए 4 रनों के लिए।
भूभाग संघ आणि उपदंडा संघ दोन्ही संघाच्या संघटनांना विनंती करतोय मी कृपया त्यांनी कॉम्बॉक्स मध्ये यायचंय. देवबाग संघ आणि उपदंडा संघ दोन्ही संघाच्या संघटनांना विनंती करेन कृपया त्यांनी कॉम्बॉक्स नाणेफेक करून घ्यायची आहे. संदेश नए बल्लेबाज मैदान के बीच में ब्लॉकल में डालने का प्रयास अब मात्र जकड़ के रखा है लेकिन बबल ने अपना काम किया है. बिल्कुल 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं. कुल मिलाकर 44 रनों का टारगेट मैदान में सेट किया है. कार्पेट सारे के अलावा स्ट्रोक गेल बिल्कुल जाएंगे सी मारे के पार 4 रनों के लिए. 4 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. बेहतरीन वाली बल्लेबाज जो स्टार्ट के साथ चौवे के साथ शुरुआत हुई थी उस चौवे के ऊपर निर्भर रहे थे दोनों सभी खिलाड़ी. छक्का अभी तक नहीं लगाया सिंगल डबल एक बार ही सिंगल रन लिया है उसके बाद बावजूद अगर देखा जाए तो 4 रनों के तहत यह स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. सामने तरफ स्पीडअप करूं कहते हैं वेतर संघ आपला पुन्हा पुन्हा विनंती करतो आम्ही सामना जरा स्पीड अप करून घ्यायचा आहे. चला अजून बरेचसे सामने बाकी आहेत जरा सहकार्य करायचंय. इसी बीच चले श्याम बड़ा स्ट्रोक बिल्कुल फाइल लेग के रीजन में 6 रनों के लिए. लॉन्ग ऑफ के रिजन में बिल्कुल लाजवाब स्ट्रोक 6 रनों के लिए और 6 रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. तीसरी ओवर की पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. मात्र औपचारिकता रिक्त बाकी 5 रनों की जरूरत. ये गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं किया विकेट कीपर के दस्तानों में. देवबाग संघ तर लवकर लवकर आणि उपदंड संघ उपदंड संघ राकेश सिंगल रन मुकम्मल. देवबाग संघ आणि उपदंड संघ लगेच कॉम्बॉक्स सामने येते. वाईट एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्डवर. मॅच संपली 4 धावा मिळतात या चेंडूवर और 4 धावने संघाची धाव संख्या वाढते 25 धावा आणि इथे मात्र नाणेफेक सामना जिंकतोय तो जय भवानी अंतुर संघ. दाजी नाईक कॉम्बॉक्स मध्ये यायचंय. दाजी नाईक